जय जिनेंद्र, मैं रेनू सुराना चेन्नई से आपके सामने में नागौर की फेमस पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सामग्री देखिए, ये लिया मैंने बेसन पाउडर, साबुत धने, नमक, लाल मिर्ची, गरम मसाला, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन। मैंने हींग डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है और गरम मसाला डाला है, नमक स्वाद अनुसार। गरम मसाला तीखा होना चाहिए, लाल मिर्ची भी अच्छी डालनी है, उससे क्या स्वाद अच्छा आएगा। साबुत धने भी अच्छे डालने हैं। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसमें तेल डाल दिया, गरम हो रहा है और ये बोल मैंने तैयार किया है। अब हम पकौड़ी निकालेंगे। तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़ी कड़क हो जाएगी। अब हम झारे की सहायता से पकौड़ी को निकालेंगे। तो निकालनी है। अब हम इस तरह से झारे की सहायता से पकौड़ी निकाल रहे हैं। से हम पकौड़ी निकाल रहे हैं। हाँ, ये हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी तैयार है। इसको चाय के साथ खाइए और आनंद लीजिए।